राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी डेलीगेशन निर्वाचन सदन में 20 शिकायतों को लेकर पहुंचा, जिसमें राजीव शुक्ला ने बताया है कि हमने निर्वाचन सदन को भारतीय जनता पार्टी की 20 शिकायत दर्ज कराई हैं, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रही है, जिसमें प्रभु श्री राम के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाकर यह कहना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वहीं अन्य विषयों पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रीमो श्रीनाथ ने भी कहा है कि बीजेपी धार्मिक भावना भड़काने और कांग्रेस न्यायिक पत्र को भी जनता के सामने झूठ बता रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज गया था, हम लोगों ने 20 शिकायतें उनको दी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जो है कि जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, जिस तरह से धार्मिक उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो चुनाव की जो हमारी गाइडलाइंस उनके एकदम खिलाफ है, जिस तरह से भगवान राम के होर्डिंग लगा के भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई जिसने जो भगवान राम को लाए उनको लाइए, माने ये भगवान राम को लाए बताइए, जो इतने महान हम लोगों के जो है भगवान हैं उनको ही लाने वाले कौन हैं। तो इस तरह से उन्होंने होर्डिंग लगाई, वो होर्डिंग हटे नहीं, सब जगह मैंने देखा, जगह जगह तो हमने चुनाव आयोग से कहा कि इस तरह के प्रचार को आप रुकवाइए जो हमारे मैनिफेस्टो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में सारी बातें हैं ही नहीं चुनाव घोषणा पत्र में, और वो स्वयं जो इनके बड़े बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्री जो है वो एक फैला रहे हैं कि मैनिफेस्टो में लिखा कि संपत्ति हम लोगों की गहने ले लेंगे, लोगों की संपत्ति ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, शरिया ला लाएंगे, इस तरह कई बात है भी नहीं, लेकिन लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र का ये लोग जो है गलत जो है कोट कर करके लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है। इसके अलावा जो है जिस तरह से जो है इनके सोशल मीडिया पे जो चीज़ें डाली जा रही हैं जो आपत्तिजनक हैं, चाहे राहुल जी के बारे में और लोगों के बारे में, इन सब को लेकर हमने जो है पूरी चुनाव आयोग में शिकायत की है, और उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि हम जो है इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया जी, आप बोलिए। पूरे देश में नहीं हुआ है, लेकिन हमने क्रमवार तरीके से कब कब प्रधानमंत्री ने, कब कब गृह मंत्री ने, कब कब योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बातें बोली है जो सभ्य समाज में निर्वाचित लोग नहीं बोल सकते हैं। हमारे 48 पेज के मैनिफेस्टो में जिसमें 15,329 शब्द हैं, उसको लेकर हर तरह का झूठ, उसको लेकर हर तरह का दुष्प्रचार जो किया गया उस पर बोला है, और हमने चुनाव आयोग से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करी है कि सिर्फ नोटिस भेजने से काम नहीं चलेगा, लोगों का विश्वास जीतना है, लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बनाए रखने के लिए उनको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नोटिस नड्डा जी को दे देने से कोई मोदी जी चुप तो हो नहीं रहे। मोदी जी आज भी लोगों का मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं, वो आज भी म से मुस्लिम लीग ही देख रहे हैं, म से महंगाई, म से महिला सुरक्षा नहीं देख रहे हैं, वो आज भी प्रज्वल रमन्ना के साथ खड़े, वो महिलाओं के साथ नहीं खड़े। तो हम लोगों ने आयोग को ये दरख्वास्त करी है कि सिर्फ नोटिस मत भेजिए, आपके ऊपर दारमोदार है एक फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव कराने का, और हम आशा करते हैं कि आप वो ज़रूर कराइएगा। हमने क्रमवार कब कब किस तरह के बयान दिए गए हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों जिन्होंने परमाणु शक्ति खत्म हो जाने की बात कर दी है, उनके पैदा होने से पहले बनी थी, हमारे सबके जाने के बाद भी ये देश परमाणु शक्ति रहेगा, चाहे शरिया लॉ की झूठी बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हो, हर बार जब चुनाव आता है उनको 80-20 और शमशान कब्रिस्तान नजर आने लगता है, चाहे प्रधानमंत्री की बातें हो कि हम कैसे किसी की संपत्ति लेकर किसी और को देख लेंगे, कांग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 55 साल हमने इस देश की सफल सरकार चलाई है, गरीबों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला है, अमीरों को और समृद्ध बनाया है, और ऐसी सरकार चलाने वाले लोगों के बारे में ये कहना और फिजूल की वो बातें कहना जो हमारे मैनिफेस्टो में कहीं है ही नहीं। हमने तो इनफैक्ट ये भी ऑफर किया है इलेक्शन कमीशन को कि हम अपना मैनिफेस्टो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अगर वो समीक्षा के लिए देखना चाहें तो भी दे सकते हैं, लेकिन ये झूठ प्रचारित बंद होना चाहिए। एक बहुत ही गलत व्हाट्सएप एक फॉरवर्ड और उसका सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है राहुल जी के नाम से, उसमें निहायत ही गंदी सांप्रदायिक बात की गई है, और उसके बारे में जब हमने वो बात उठाई तो हम लोग आयोग ने हमें इन्फॉर्म किया कि उस पर ऑलरेडी FIR हो चुकी है, और असली बात यह है कि इस तरह का दुष्प्रचार करके ना हम जनता का भला कर रहे हैं, बीजेपी ना जनता का भला कर रही है ना देश का भला कर रही है। मुद्दों पर चुनाव हो और मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है गरीबी, मुद्दा है महिला सुरक्षा, और महिला उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़े होकर जब प्रधानमंत्री मंच पर उनकी तारीफ करते हैं और पीठ थपथपाते हैं तो ये सारे मुद्दे धरे रह जाते हैं।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।